अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज ऐसा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सलाई है, 2010 का मॉडल है। तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दूँ, और ये गाड़ी फॉर सेल भी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि इसकी डिमांड वगैरह मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। और इसके ऑनर से भी पूछेंगे, इसकी फ्यूल एवरेज, इसका सारा रिव्यू जो है हम करेंगे पहले, उसके बाद फिर ऑनर से पूछेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर गाड़ी के फ्रंट की बात की जाए, तो जिस तरह आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर क्रिस्टल लाइट्स हमें कंपनी की तरफ से दी जाती हैं, हैलोजन लैंप। और ये तो आपको पता ही होगा, एक्सएलआई जीएलआई में जो फ़र्क है वो ऐसा इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में कि क्या फ़र्क है। तो बाकी आप इस तरह इसका फ्रंट देखें, बम्पर वगैरह जो है ये शावर्ड है आफ्टर मार्केट, और इसका यहाँ पे लोगो आ जाता है। उसके बाद नीचे फॉग लाइट्स की ऑप्शन जो है ये इन्होंने आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, क्योंकि एक्सएलआई में जो है ये चीज़ नहीं आती। तो बाकी ऐसा जितना कोई ख़ास वो नहीं है। अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए, तो जिस तरह ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये सारा ऐसा ये सारा इन्होंने आफ्टर मार्केट सामान लगाए हुए हैं। ये इसके ऊपर जो है ये क्रोम की कवर लगे हुए हैं, ये भी क्रोम है, ये भी बॉडी कलर में आता है, लेकिन इन्होंने जो है ये अपने शौक के लिए जो है इसको क्रोम किया हुआ है। और जीएलआई जो आती है उसके अंदर जो है ये जो आप ये बम्प पर डोर की ये पट्टी देख रहे हैं, ये क्रोम में आती है, और ये जो ये लाइंस हैं ये भी ओरिजिनल क्रोम फिनिशिंग में आते हैं। बाकी ऐसा सच कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसके अलावा आप टायरों की कंडीशन देख सकते हैं, तो एज सच ये अराउंड 30-40% ये टायर इस वक्त इस कंडीशन में होंगे। उसके अलावा अगर रिम की बात की जाए, तो रिम भी इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, और ये अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद अगर इसकी डिगी की बात की जाए, तो एज सच पहले ये इसमें शशका मोड जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो ये ऐसे करेंगे और आप इसकी डिगी खुल जाएगी। तो बाकी ट्रंक वगैरह भी आप देख सकते हैं इसकी, माशाल्लाह नाइस एंड क्लीन, कोई गन वगैरह उस तरह नहीं है। तो बाकी ये आप इसका फर्श वगैरह भी देख सकते हैं, फर्श की कंडीशन सीएनजी इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, पेट्रोल ड्रिवन है गाड़ी। उसके अलावा अगर फिर इस साइड प्रोफाइल की बात की जाए, तो ये भी अच्छी कंडीशन में, कोई एज सच इतना कोई डेंट वगैरह नहीं है। एक ये थोड़ा सा डेंट है, जाहिर है 2010 का मॉडल है तो इतना तो होता है। तो बाकी अगर इसमें देखा जाए, तो साइड स्कर्ट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, खैर वो लोग आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराते हैं। तो जी व्यूअर्स, इंजन बे की तरफ आएँ, तो ये आप देख सकते हैं SH2NZNFE, ये एक्सएलआई जीएलआई में नॉर्मल इंजन है, और 2001 मॉडल से ले के 2001-2 में करोला जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी, जिसको दुम्बा शेप भी कहते हैं। तो वो जो है उसमें से लेके 2013 तक, 13-14 के एंड तक जो है यही सेम इंजन आया। उसके बाद जो 2015 मॉडल है उसके अंदर हमें जो है वो 2ZR इंजन मिलता है, जो कि 1500cc इंजन होता है। और बाकी ऐसा इतना कोई ख़ास वो नहीं है। अगर दिखाया जाए, तो ये आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक्सएलआई में जो है ABS ब्रेक्स आती हैं, इसमें जो है इसमें कोई ABS का सेंसर वगैरह और वो चीज़ नहीं लगी हुई। हाँ कि इसमें फोर व्हील डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन ABS नहीं आती। तो बाकी आपको इसकी फ्रंट की ये चीज़ें दिखाता चलूँ, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, कहीं से कोई गाड़ी हिट वगैरह नहीं है। तो माशाल्लाह गाड़ी का इंजन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन में है। तो नहीं होता। बाकी अब मैं आपको इसकी अंदर की कंडीशन दिखाऊं, तो अंदर ये आप देख सकते हैं सारा, ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है, ये ओरिजिनल नहीं आता इसके अंदर, और ये सिल्वर की ट्रिमिंग जो है ये ओरिजिनल आती है, ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ। बाकी ऐसा ये गाड़ी जो है ये XLI है, तो इसको GLI में कन्वर्ट किया गया है। खैर उस तरह तो कन्वर्ट नहीं है, लेकिन शीशे वगैरह जो है इसके ऑटोमेटिक रखे गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं जिस तरह डैशबोर्ड भी माशाल्लाह नाइस एंड क्लीन कंडीशन में है। तो व्यूअर्स, अगर इसके इंटीरियर की तरफ आएँ, तो
ये आप देख सकते हैं, ये आफ्टर मार्केट, इसके ऊपर लेदर की स्टिचिंग वगैरह हुई हुई है। और डैशबोर्ड की है सच इतनी कोई हालत ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत ये ऊपर गर्मी की वजह से जो है ये ऊपर आ गया रैक्सीन जी। खैर ये तो हो जाती है। बहरहाल बाकी अगर बात की जाए तो इसमें हमें मिरर्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल नहीं मिलते, सिर्फ आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये फॉग लैंप का बटन आ गया। सिक्योरिटी ये पता नहीं ऑनर ने अब कोई सिक्योरिटी वगैरह लगाई हुई है इसमें। तो बाकी बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह है इसके अंदर, ये आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल वगैरह इंस्टॉल्ड है। और ये ग्लव बॉक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। बाकी वैनिटी मिरर जो है वो इसकी एज सच कोई इतनी इनमें नहीं आया। तो व्यूअर्स अभी चलते हैं गाड़ी की छोटी सी ड्राइव पे, और साथ ऑनर से पूछते भी हैं कि इसकी एवरेज वगैरह और बाकी चीज़ें। ये हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास ही ये गाड़ी है। तो अनस भाई क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह साहब भाई, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक जी। तो अच्छा बताएं इसकी सर गाड़ी एवरेज वगैरह आपको क्या दे रही है, और कितने साल से ये गाड़ी आपके पास है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल हो गए हमारे पास है गाड़ी, और गाड़ी जो है वो एवरेज थोड़ा ऊंचा बोलें व्यूअर्स को आवाज जरा जो एवरेज है तकरीबन जैसे जी एल आई आम रोड पे आपको पता है काफी कम एवरेज देती है 7-8 की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे 11-12 की एवरेज लोकल पे देती है। अच्छा इसमें सीएनजी नहीं इंस्टॉल? ये पेट्रोल के ऊपर मुझे एवरेज देती है तकरीबन 12 की लोकल पे, और 15-16 की एवरेज देती है मुझे लॉन्ग। माशाल्लाह ये तो जी बेहतरीन एवरेज है। बस अच्छी एवरेज, अल्लाह पाक का करम है कि गाड़ी भी अच्छी मिली है, एवरेज भी अच्छी दे रही है। नहीं वही होता है ना, घर की संभाली हुई गाड़ी बंदा लेता है। तो बाकी इसका और कोई चीज हो जो आप इस गाड़ी में? ये गाड़ी ये कि हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, कोई मॉडिफिकेशन करवाने की खुद कोशिश नहीं की। जिस तरह मिली है कोई उसके ऊपर छोटा मोटा काम वगैरह था तो वो करवा लिया। अच्छा। लेकिन उसके अलावा हमने इस पे कोई भी काम खुद से नहीं करवाया, तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करवाई। आफ्टर मार्केट जो चीजें हैं वो सारी हम दूसरी गाड़ियां जो हम लेते रहे, हमने शुरू से GLI और XLI तकरीबन जिसको देखा है, काम किया GLI-ओं का और XLI-ओं का, तो मतलब उसके अंदर जितना हम मॉडिफिकेशन करवाते थे करवा सकते थे, पर इसको हमने बिल्कुल सिंपल रखा है गाड़ी को। अच्छा। और सिंपल तरीके से बस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और अच्छी एवरेज देते। अच्छा है अभी आप मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी की आप डिमांड क्या कर रहे हैं, और जो है बाकी आप इसका ये भी बताएं कि कागजात वगैरह इसकी क्लियर है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इसका क्लियर है जी, जी। हमारे पास है, हमारे नाम पे गाड़ी है जी। दूसरी ये बात है कि गाड़ी की डिमांड जो है वो फिलहाल हम 18 लाख कर रहे हैं, तो कोई शादी भाई की तरफ से आएंगे तो हम उनके लिए कर देंगे। लेकिन ये बात है कि आपको पता है आजकल ऐसी संभाली हुई गाड़ियां मिलती नहीं है जी, जी। आप बाजार चले तो अनस भाई ये गाड़ी चली हुई कितनी है सर, ये जरा काइंडली बता दें। मैंने चेक नहीं किया, तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इसकी अभी ड्राइव जो है वो 150 हो गई है। अच्छा तो उसके मुताबिक जो है वो 1.5 लाख चल चुकी है ये गाड़ी। अच्छा तो चलें ठीक है। तो जी व्यूअर्स जैसे कि आपने देख लिया होगा, सारी ये बात सुन ली होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इस तरह की मैं वीडियोस बाकी आगे लाता रहूँगा। तो कमेंट में मुझे बताएं कि इसके बाद जो है मैं वो POV ड्राइव्स जो हैं उसकी वीडियो शुरू करूँ कि ना करूँ, और कार व्लॉग्स भी साथ साथ बनते रहेंगे, और साथ साथ ये रिव्यूज़ वगैरह भी बनते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।